Webinar. So this presentation, this webinar will be in both the languages, English and Hindi. So I'll try to explain everything about Tomatoes, the brand, brand ki jo mission hai, brand ka kya kya kis focus kis cheez ko karke hum aage badh rahe hain. So let's start with the introduction of the brand. So Tomatoes ke baare mein Ashok ji ne thoda sa aapko batai diya ki Cafe TC ek well-known brand hai since 1997 jo दिल्ली NCR और नॉर्थ इंडिया में काफ़ी जगह हमारे आउटलेट्स हैं और अच्छा नाम कमाया है और अच्छा एक क्लाइंटल सेटअप किया है. सो उसके पैरेलली हमने एक नया ब्रांड हमने लॉन्च किया है टोमेटोज. सो इट्स बेसिकली ऑन होम डिलीवरी एंड टेक अवे एक मॉडल है जिसमें सीटिंग भी है डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ द प्लेस और रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटी. सो इंट्रोडक्शन टू द ब्रांड मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगा. The purpose of this business plan is to secure additional long-term potential to open a QSR franchise pan-India. Brand is positioned somewhere between traditional home dining and sit-down restaurants. This segment of the market is attuned to the health benefits of their eating habits and are more conscious of their buying habits than the general population. More importantly, they have higher incomes and are willing to pay more for the better fast food choice. Our goal is to be that choice in the market. सो टोमेटोज के पीछे जो आइडिया है, जो एक आइडियोलॉजी है, अगर मैं उसकी बात करूं तो हमारा पर्पस जो है वो एक ऐसा बिजनेस प्लान हमने जो तैयार किया है जो कि एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के साथ QSR जो है क्विक सर्विस रिटेल जो जिसको हम बोल देते हैं तो उसकी एक फ्रेंचाइज मॉडल हम पैन इंडिया एक्सपेंशन के लिए हमने जो प्लान किया है. सो ब्रांड की जो पोजिशनिंग है, ब्रांड किस कहाँ जगह बना रहा है, वो जो ट्रेडिशनल होम डाइनिंग है या सिट डाउन रेस्टोरेंट्स है उसके बीच का एक सेगमेंट अगर हम बोलें, एक स्मार्ट वर्जन है ये रेस्टोरेंट्स का कि जो लोग जिनकी जिनकी पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है एंड वो लोग अच्छे ऑथेंटिक रेस्टोरेंट्स में जाके बैठते हैं, अच्छे फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स में जाके बैठते हैं, उनके उनके डिनर्स, उनकी मीटिंग्स ऐसे रेस्टोरेंट्स में होती है और साथ ही साथ वो लोग जो होम डाइनिंग के तरफ भी थोड़े से कॉन्शियस हो गए हैं. रीज़न बीइंग थोड़े से हेल्थ हैबिट्स जो लोगों ने अभी चेंज किए हैं, कुछ नया ईटिंग ट्रेंड्स जो आए हैं पोस्ट कोरोना, उस वजह से जो लोग बाहर नहीं जाना चाहते हैं लेकिन उनको घर में ही अच्छा खाना प्रोवाइड करना हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस तरह का एक सेगमेंट हम लेके आए हैं. उस तरह के मार्केट को कैप्चर करने के लिए ये ब्रांड को हम लेके आए हैं. प्लीज़ इस एक चीज़ मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ अ प्रीमियम होम डाइनिंग थिंग, राइट. इट्स इसकी जो जो जिस तरह का जो प्रोडक्ट है दैट इज़ नॉट अ बेस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, इट इज़ ऑन अ अपग्रेडेड वर्जन ऑफ होम डाइनिंग एंड सिट डाउन रेस्टोरेंट्स. सो टू सक्सीड विद अ गोल एंड टू एंगेज हेल्दी लाइफ स्टाइल वी विल क्रिएट इनोवेटिव एंगेजमेंट प्रोग्राम्स, वी विल बिल्ड रूट्स इन टू द कम्युनिटी, वी विल ऑल्सो मार्केट आवर प्रोडक्ट्स with local businesses and the famous literature and music festivals to local shopping complexes and offer catering services through local party supply store and through close ties. So jis tarah se humne is brand ko design kiya hai, jis tarah se humne ek product design kiya hai uski jo promotion hai usko jo position karna hai, uski jo placement hai market mein, usko taiyar karne ke liye bhi humne ek bade hi innovative engagement programs plan kiye hain. Humne acche तरह से उसको किस तरह से मार्केट करना है, किस तरह से प्रमोट करना है, बी एट एक रीजन का लोकल बिजनेस हो या कहीं के म्यूज़िक फेस्टिवल्स हों या लिटरेचर फेस्टिवल्स हों, जो कि इंडिया इज़ फुल ऑफ कल्चर, राइट. सो वर्सेटाइल कल्चर है, हर सिटी हर स्टेट का एक अपना कल्चर है, तो हर कल्चर में हर कल्चर में कुछ फेस्टिवल्स हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पे हम अपने आप को एसोसिएट करेंगे. डिपेंडिंग अपॉन अगर हम हिमाचल में हैं तो हिमाचल के स्टाइल के जो फेस्टिवल्स हैं वहाँ हम अपने आप को पोजीशन करेंगे. इफ़ यू टॉक अबाउट महाराष्ट्र तो वहाँ के जैसे अभी आप देखें कि महाराष्ट्र में अभी गणपति कोरोना की वजह से थोड़ा सा वो है, लेकिन अभी जैसे फेस्टिव सीज़न है या आगे चल के भी आने वाले टाइम में जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो उसको पोजीशन उस तरह से किया जाएगा ताकि इसकी विजिबिलिटी भी अच्छी रहे एंड इसकी जो ब्रांड पोजिशनिंग है वो एकदम फिट बैठे एंड ताकि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को इंकरेज कर पाए. आर प्राइमरी गोल फॉर दिस प्लान इज़ टू बिल्ड वैल्यू फॉर आर पार्टनर्स, आवरसेल्व्स, आर एम्प्लॉइज, आर कस्टमर्स एंड द कम्युनिटी. वी सी दीज गोल्स हैज बीन कंसिस्टेंट विद द गोल्स अचीव्ड इन पास्ट सिंस 1997 थ्रू आर ओन ब्रांड
नोन एज कैफे टर्कर्स कॉटेज, कैफे टीसी, राइट। सो जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 1997 से जो हमने एक ब्रांड को स्टार्ट किया था कैफे टीसी के नाम से, तो इन सी दीज 23 ईयर्स हम ब्रांड ने बहुत नाम कमाया है, बहुत अच्छा क्लाइंटेल हमारे साथ जुड़ा है, एक ट्रेंड सेटर रहे हैं हम। रॉक जो इवेंट्स हुए हैं दिल्ली में, और जिस तरह का फूड हमने सर्व किया है, जिस तरह का इवेंट्स हमने हम लोगों को सामने हम लेके आए हैं, तो वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड वी आर वेरी मच श्योर अबाउट इट कि हम उस कंसिस्टेंसी के साथ हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे जो हमने टोमेटोज के लिए ले डाउन किए हैं। नाउ दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू द ब्रांड। ब्रांड का आइडियोलॉजी क्या है, हमारा स्टार्ट करने का पर्पस क्या है। सो नाउ अ वेरी सिंपल फिलॉसफी, जो ब्रांड की फिलॉसफी है, अगर मैं उसको पूरे जो आपको इंट्रोडक्शन समझाया है उसको अगर मैं एक क्रिस्प वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो यही है कि टू एनहैंस होम डाइनिंग एंड ग्रैब योर मील एक्सपीरियंस इन योर नेबरहुड। हम लोग चाहते हैं टोमेटोज़ की पोजिशनिंग जहाँ भी हो, टोमेटोज़ की विजिबिलिटी जहाँ भी हो। सो टोमेटोज़ एक ऐसा ब्रांड है जहाँ पे हम आपका होम डाइनिंग और ग्रैब योर मील, जिसको हम टेक अवे भी बोल सकते हैं, उस एक्सपीरियंस को इन्हांस करने के लिए हम तैयार हैं, उस एक्सपीरियंस को हम अपग्रेड करने के लिए मार्केट में आ गए हैं। सो मिशन, जो ब्रांड का एक मिशन है, हमने चार डिपार्टमेंट्स या कहिए चार पार्ट्स में अपने मिशन को डिवाइड किया है, या चार पिलर्स कह लीजिए जिस पे एक 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 बेस टिका होता है। पहला है पैशन फॉर एक्सीलेंस। पैशन फ्यूल्स आवर कमिटमेंट टू द एंडलेस क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। सो हमारा जो पैशन फॉर एक्सीलेंस है, जो कि हमने टीसी में हमने अपनाया है और जिस तरह से हमने पोर्ट्रे किया है अपने एक्सीलेंस को, वही पैशन के साथ हम टोमेटोज़ को मार्केट में लेके आए हैं। इंटेग्रिटी, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वी आर कमिटेड टू डूइंग व्हाट इज़ राइट विदाउट एक्सेप्शन। सी इट इज़ नॉट कि अगर हमें कॉरपोरेशन की तरफ से बोला जाएगा कि आपको ये पैरामीटर्स को ध्यान में रख के काम करना है, या ये कुछ कंपल्शन है कि आपको करना ही है, ऐसा नहीं है। हम अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, वी विल बी डूइंग द बेस्ट इवन इफ नो वन इज़ वॉचिंग, राइट। थर्ड इज़ पीपल आर ग्रेटेस्ट रिसोर्स। आउटस्टैंडिंग पीपल मेक इट ऑल हैपन, दे विल लीड अस टुवर्ड्स द फ्यूचर। पीपल जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जिस तरह के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो हम एक उनको एक अच्छा एक ग्रेटेस्ट रिसोर्स मान के अपने साथ लेके चलेंगे। हमारी ग्रोथ उनकी ग्रोथ एक साथ चलेगी। फोर्थ इज सर्विस माइंडेडनेस। वी आर डेडिकेटेड टू अनपैरेलल्ड हॉस्पिटैलिटी एंड जेन्युइन केयर ऑफ आर गेस्ट। सर्विस माइंडेडनेस है हमारी, हमारा जो जो एक बेस है हॉस्पिटैलिटी का, वो हम जो एक मेजर रोल प्ले करता है वो हम ध्यान में रख के चलेंगे हमेशा। हमारी जो हॉस्पिटैलिटी या जेन्युइन केयर फॉर आर गेस्ट है, वो हमारी आपको हर कदम पे, हर सेकंड में, हर मिनट में, हर एक आउटलेट में बकायदा उसको मेंटेन करते हुए दिखेंगे हम। नाउ कम दी प्रोडक्ट। सो मिशन के बारे में मैंने आपसे बात करी, फिलॉसफी जो है हमारे ब्रांड के पीछे की, जो आइडियोलॉजी है उसका एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। सो नाउ टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, लेट्स कम टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, टोमेटोज़ मैं क्यों आपके सामने लेके आया हूँ, एंड टोमेटोज़ अगर ये कमिट करता है कि हम होम डाइनिंग और टेक अवे एक्सपीरियंस को अपग्रेड करने वाले हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, वो प्रोडक्ट क्या है। ग्लोबल एट आर कोर, 23 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर इन द इंडस्ट्री एंड वेल निट टीम हेल्प्ड अस टू क्रिएट क्यूरेट अ मेन्यू विच विल सफाइस टू अ डाइनर्स नीड। वी ऑफर सिंगल विंडो रीच फ्रॉम स्ट्रीट फूड सच एज पराठा रोल्स, शिकंजी कूलर्स, टू फॉर्मल मील्स लाइक बर्मा बर्मा करी, अमृतसरी फिश करी, एंड फैंसी एट कम्फर्ट चॉइस लाइक पिज्जाज एंड पास्ता सर्व इन जार्स, न्यू वे वॉफल स्टिक्स, डोनट रोल्स एंड मैनी मोर टू एक्सप्लोर। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, 23 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और एक्सपोजर जो हमें इंडस्ट्री में मिला है, और इस दौरान जो एक अच्छी टीम हमें मिली है, जो रिसोर्सेज हमें मिले हैं, उनके साथ मिलके इट हैज़ हेल्प्ड अस कि हम एक अच्छे मेन्यू को क्यूरेट करें जो कि सिंगल विंडो अप्रोच हो, किसी भी डाइनर्स की नीड को, किसी भी डाइनर की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, कि अगर आप टोमेटोज़ में आ रहे हैं, एक छत के नीचे आपको वैरायटी ऑफ फूड मिले, चाहे वो स्ट्रीट फूड है, जैसे कि अगर आप
अगर आप पराठा रोल्स की बात करें या शिकंजी की बात करें, तो एक जो स्ट्रीट फूड का जो कल्चर है इंडिया में, जो कभी कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होने वाला, उसको हम एक एक छत के नीचे लेके आए हैं। उसके साथ वही एक ही अम्ब्रेला के नीचे आपको बर्मा बर्मा करी और अमृतसरी फिश करी जैसी एक अच्छी ऑथेंटिक, जो आपको एक ऑथेंटिक रेस्टोरेंट में ही मिल सकता है। अगर बर्मा बर्मा करी की बात करें तो आपको एक अच्छे ओरिएंटल रेस्टोरेंट में, पैन एशियन रेस्टोरेंट में मिलेगा, या आप एक अच्छे पंजाबी रेस्टोरेंट में जाएंगे तभी जाके आपको एक अच्छी क्वालिटी की अमृतसरी फिश करी, वही फ्लेवर्स, वही रेसिपीज जहाँ फॉलो होती हैं, प्रॉपर सेट इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे यूज़ होते हैं, वो आपको टेस्ट टोमेटोज़ में, टोमेटोज़ के मेन्यू में मिलेगा। एंड ऑल्सो फैंसी येट कम्फर्ट चॉइसेस लाइक पिज़्ज़ाज एंड पास्ता। हमने थोड़ा सा, अगर मैं अपग्रेड करने की बात करूँ, थोड़ा सा हम ट्रेंडी तरीक़ों में भी जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पिज़्ज़ाज एंड पास्ता जो है वो जार्ज में सर्व होने वाले हैं, हमारी मैगी है वो हम जार्ज में सर्व करने वाले हैं, न्यू वे वाफल स्टिक्स हैं, वाफल सब खाते हैं, लेकिन जो पॉप स्टिक्स हो गई या वाफल स्टिक्स जिसको बोलते हैं, वो हम सर्व करने वाले हैं। डोनट रोल्स, डोनट्स को हमने एक कोन शेप में एक रोल की तरह हम सर्व करने वाले हैं। सो इस तरह का मेन्यू, इस तरह का प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं। एंड नो डाउट इट इट इज़ अ हिट, हम ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं। ये सभी ऑपरेशंस ज़रूर नहीं शुरू हुए हैं बिकॉज ऑफ कोविड, बट वी आर रेडी टू स्टार्ट दी ऑपरेशंस वेरी वेरी सून। मार्केट में हमारा फूड जो है वो इंट्रोड्यूस होने वाला है। एंड सबसे खासियत जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो बहुत सी यूएसपी के साथ साथ एक मेजर यूएसपी जो होगी, हमारी इन हाउस सिग्नेचर डिप है, जो कि एक अकम्पनीमेंट के तौर पे सूटेबल डिशेस के साथ हम उसको सर्व करने वाले हैं। इट विल हैव अ यूनिक डिफरेंट फ्लेवर, यूनिक टेस्ट, एंड पीपल विल बी ड्रूलिंग ओवर इट। सो आपकी स्क्रीन पे अभी जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, जो कि मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह का प्रोडक्ट हमारा है, अभी आप देख सकते हैं पराठा रोल्स हैं, तो इस कुछ इस तरह के दिखने वाले हैं। देन एग्स का एक सेपरेट मेन्यू है, सनी साइड अप की फ़ोटो आपके स्क्रीन पे है। देन कम्स मसाला फ्राइज, पिज़्ज़ा जार्स एंड बेग मैगी, जो कि मैं आपको बता रहा था कि हम जो जार्स में सर्व करने वाले हैं, एक अच्छे ट्रेंडी तरीके से जो हमारा प्रेजेंटेशन होने वाला है वो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। सो इस ये जार्स हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है, इसको जो मेन्यू को और मेन्यू के प्रेजेंटेशन को हमने इस तरह से ध्यान में रखा है कि जब आप, अगर आप टोमेटोज से ऑर्डर करते हैं या टोमेटोज में विजिट करते हैं, तो अगर आप पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है आपने, यू कैन कैरी दैट जार अलॉन्ग। आप मैगी ऑर्डर कर रहे हैं या मसाला फ्राइज ऑर्डर कर रहे हैं, तो उस तरह का एक कंटेनर है, उस तरह का जो टम्बलर्स हैं, आप उनको कैरी करते हुए अपने साथ, जब आप मार्केट में घूम रहे हैं, आप विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, आप इवन शॉपिंग भी कर रहे हैं, यू कैन कैरी दोज जार्स। आप गाड़ी में बैठ के खा रहे हैं तो आप उन जार्स को कैरी कर सकते हो, एंड इट विल बी ईजी फॉर यू टू ईट। एंड येस, इट्स इंस्टा वर्दी एज अ कंज्यूमर, एज अ गेस्ट। बहुत ट्रेंड है कि खाने से पहले हम लोग सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ ज़रूर पोस्ट करते हैं, तो हमने उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए इस इन जार्स को हमने एक अपने मेन्यू में इंक्लूड किया है। देन कम्स स्पेगेटी बोलोग्नेज एंड मेज़े प्लेटर। सो स्पेगेटी बोलोग्नेज अगेन सर्व इन जार। सो मेज़े प्लेटर प्लेटर की आप बात आप देख सकते हैं, प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स को हमने ये बहुत ही कम होम डिलीवरी या टेक अवे रेस्टोरेंट्स में होगा जहाँ पे मेज़े प्लेटर्स, ये जो मेडिटेरियन फूड को हम मेन्यू में लेके आ रहे हैं। इट इज़ टफ बिकॉज इट हैज़ सेट पैटर्न फॉर अ रेसिपी टू बी फॉलोड, बट येस वी आर श्योर, वी आर प्रेटी मच कॉन्फिडेंट। जो हमारी टीम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मेज़े प्लेटर्स को होम डिलीवरी एंड टेक अवेज में भी सर्व कर रहे हैं। सो देन कम्स पनीर बटर मसाला एंड चिली गार्लिक नूडल्स। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग कुजीन्स हैं, बट येस इसको हम मेन्स में अगर हम इंट्रोड्यूस करें जो और पनीर बटर मसाला या चिली गार्लिक नूडल्स, इसके साथ मैं ये पिक्चर आपके सामने जो स्क्रीन पे है, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि पनीर बटर मसाला के साथ आप फोटोग्राफ में एक पराठा देख रहे होंगे। सो ये पराठा विल बी सर्व्ड एज एन अकम्पनीमेंट, हम एक कॉम्बो की तरह इसको सर्व करने वाले हैं। और एक जैसे कि मैंने बोला कि डाइनर की नीड को सफाइस कर देगा ये मेन्यू की प्राइसिंग, मेन्यू की कॉस्टिंग को सब कुछ कैलकुलेशन के बाद इसकी प्राइसिंग की जाती है। सो आप पनीर बटर मसाला के साथ अगर गेस्ट को कॉम्प्लीमेंट्री है एज एन अकम्पनीमेंट एक पराठा मिलता है, तो उसको अलग से ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर वो अकेला ही है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ फोर फाइव पीपल, आप चाहते हैं कि आपके घर में गेस्ट आए हैं, अब आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाने के मूड में नहीं हैं,
मान लीजिए आप चाहते हैं कि घर पे ही इजी हैं, घर पे ही बैठे हैं, आप वहीं पे चिल करना चाहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं जो हमारे मेन्स हैं उनका एक पार्टी मील जो हमने मेन्यू डिज़ाइन किया है। सो इट विल बी मील फॉर 4, मील फॉर 8, मील फॉर 10। सो आपके आपको ऐसी कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है कि अगर मील फॉर 1 है तो मुझे इंटू 8 ही मंगाना पड़ेगा। तो हमारा एक सेट मेन्यू है जिसमें आप मील फॉर 8 ऑर्डर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 लोगों के लिए सफिशेंट क्वांटिटी में ब्रेड्स एंड पनीर बटर मसाला और जो भी आप ऑर्डर करते हैं मेन्स में वो आपके घर पे डिलीवर किया जाता है। एंड आई एम श्योर इस तरह का जो जो सेटअप है, इस तरह का जो ऑप्शन है एक डाइनर को अगर मिलता है तो ही विल बी मोर देन हैप्पी टू यू नो कनेक्ट टू अ सिंगल विंडो रेस्टोरेंट। फॉर एग्जाम्पल टोमेटोज। सो डोनट रोल्स की जहाँ मैं बात कर रहा था, तो इस कुछ इस तरह से हम डोनट को रोल्स की शेप में सर्व करके उसके अंदर फिलिंग करके उसको सर्व करेंगे। नाउ सी अगर आप बैकग्राउंड में देखें तो एक फेस्टिवल की एक आप काइंड ऑफ एक फेस्ट चल रहा है वहाँ का बैकग्राउंड है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो ब्रांड की जो पोजिशनिंग है, जो प्लेसमेंट है, वो ऐसे ऐसे वेन्यूज़ और ऐसे ऐसे इवेंट्स में होने वाली है, विजिबिलिटी होने वाली है। तो आप देखिए कि जब आप एक मार्केट में घूम रहे हैं, एक क्राउडेड एरिया में आप घूम रहे हैं, तो आपके हाथ में जब एक एक स्टाइलिश डोनट रोल है तो पीपल विल लुक एट यू एंड पीपल माइट यू नो लाइक टू आस्क यू कि ये आपने कहाँ से लिया या कहाँ से ऑर्डर किया। सेम वे वॉफल स्टिक्स की आप पिक्चर आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो अच्छा मेन्यू है, स्वीट एंड सेवरी दोनों तरह के डोनट रोल्स एंड हर दोनों तरह के वॉफल स्टिक्स जो हैं हमारे मेन्यू में हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द बेवरेज। आपकी स्क्रीन पे अगर आप देख सकते हैं ये मॉकअप है बॉटल डिज़ाइंस का। ये जो बॉटल डिज़ाइन है ये एक ट्रेंडी स्टाइल है, जैसा कि हमने डोनट रोल्स की बात करी। तो यू कैन कैरी दीज बॉटल्स अलॉन्ग विद यू। ऑप्शंस हर तरह के ऑप्शंस हैं, बी इट मिल्क शेक्स, बी इट कोल्ड ब्रू, बी इट फ्लेवर्ड आइस टीज, शिकंजी कूलर्स, फ्लेवर्ड लस्सी। तो इस तरह के ग्लास टम्बलर्स में सर्व किया जाएगा। नाउ यू कैन कीप दिस बॉटल इन योर कार, और मे बी आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपके ऑफिस डेस्क पे ये बॉटल पड़ी है। सो एंड एंड दीज बेवरेजेज आर यू नो कम्प्लीटली मैं क्या बोलूँगी, जिस तरह से हमने जो रेसिपी इसकी डिज़ाइन की है, सो इट इज़ टू मच टेम्प्टिंग। और ऐसा एक वो है इसके टेस्ट में कि येस यू विल लव टू ऑर्डर इट अगेन एंड अगेन एज अ गेस्ट। येस इसकी डिमांड बहुत अच्छी रहने वाली है। जिस तरह का छोटा मेन्यू है, सिलेक्टेड मेन्यू है, बट येस जो डाइनर की नीड है वो बिल्कुल तरह से पूरी होती है। नाउ कम्स आर लिगेसी। नाउ आई वॉज टॉकिंग अबाउट द ब्रांड, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द मिशन ऑफ द ब्रांड, किस तरह की आइडियोलॉजी है, प्रोडक्ट को आप देख चुके हैं। नाउ अगर मैं आपको शायद ये चौथी पांचवी बार पूरे प्रेजेंटेशन में अगर मैं बोल रहा हूँ कि 23 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद जो हमने जो एक कंक्लूजन निकल के आया है, एक फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया है जिसको हमने नाम दिया टोमेटोज, तो उसके पीछे की कहानी क्या है, उसके पीछे की लीगेसी क्या है। तो मैं बहुत बहुत ब्रीफ में आपको सिर्फ टीसी जो हमारे कैफ़े टीसी जो है सिंस 1997 जो मार्केट में है उसका एक व्यू आपको आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। सो इस तरह का लोगो है ज़रूर, अगर आप दिल्ली, आगरा, लखनऊ या देहरादून कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने ये बोर्ड ज़रूर देखा होगा, ये ब्रांड को ज़रूर देखा होगा। सो कुछ इस तरह के एम्बियंस हैं, ये एक्चुअल पिक्चर्स हैं, दिस इज़ नॉट अ मॉकअप, ये कुछ कुछ अलग वो नहीं है, ये एक्चुअल पिक्चर्स हैं। अगर आप देखना चाहें तो ये इस तरह का एम्बियंस एंड डेकोर जो है टीसी में आपको देखने को मिलता है। कुछ इस तरह का एम्बियंस एंड डेकोर आपको टीसी के जो आप आउटलेट्स वो विजिट करते हैं ना, ये दोनों डिज़ाइंस या चारों डिज़ाइंस में बहुत सी सिमिलैरिटीज़ भी हैं। जगह के ऊपर, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है या सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, हम कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं नई नई इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। बट ये हमारा जो मेन फोकस जो है कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात करूँ वो हमारी एम्बियंस एंड डेकोर में रहती है। इनफैक्ट प्रोडक्ट के, हमारे आउटलेट के हर एक फैक्टर में हमारी एक कंसिस्टेंसी रहती है जो कि हमारी ब्रांड इमेज को ध्यान में रखते हुए हम लेके चलते हैं। ये डिशेस हैं, ये हमारे कैफ़े टीसी की डिशेस हैं, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो इस तरह की डिशेस, इस तरह की प्रेजेंटेशन, इस तरह का जो टेस्ट है, दिस हैज़ हेल्प अस फ्रॉम 1997 टू
2020 की हमने इतना अच्छा सफ़र हमारा और जो आगे भी और चलने वाला बढ़ने वाला है वो हमने एक अच्छे तरीके से एक अच्छे क्लाइंटेल के साथ हमने आगे बढ़ाया है। ये कुछ अवार्ड्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में टीसी को रिकॉग्नाइज किया गया है, अवार्ड दिए गए हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये कुछ अवार्ड्स हैं। सो नाउ टीसी के बारे में मैंने थोड़ा सा ब्रीफ आपसे शेयर किया, हमारे जो टोमेटोज ब्रांड के बारे में हमने डिस्कस किया और किस तरह का हमारा सॉरी हमारा जो मिशन है टोमेटोज को लेके या हमारे हमारे ब्रांड पोजिशनिंग को लेके जो हमारा आइडियोलॉजी है वो मैंने आपसे डिस्कस किया है, राइट। सो आई एम श्योर प्रोडक्ट को देख के आपको इतना तो आप भी समझ गए होंगे जो जो पिक्चर्स आप देख के कि हम किस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में लाने वाले हैं, किस तरह की पैकिंग मटेरियल्स या किस तरह की चीज़ों को हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं या कहिए हम अडॉप्ट करने वाले हैं। सो ये अभी अभी आते हैं, लेट्स कम टू ब्रांड आइडेंटिटी। नाउ आप ब्रांड आइडेंटिटी आपसे डिस्कस करने का या शेयर करने का कारण हमारा यही है कि आपको पता चले कि ब्रांड की पहचान क्या है या ब्रांड अगर अगर फॉर एग्जांपल आप एक्स वाई जेड किसी ब्रांड के बारे में बात करते हैं तो जो जब आप उस ब्रांड के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आप देखते हो तो दैट क्लिक्स इन योर माइंड कि येस दिस इज़ दैट ब्रांड। ऑडी की अगर बात करें तो अगर आप फोर रिंग्स देखते हैं गाड़ी आगे तो यू कैन मेक आउट, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि वो ऑडी है। सो वैसा ही एक ब्रांड आइडेंटिटी जो टोमेटोज की मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सो कुछ इस तरह के यूनिफॉर्म, कुछ इस तरह के कलर पैलेट्स हमने यूज़ किए हैं हमारे यूनिफॉर्म्स में, एप्रन्स एंड टी शर्ट्स। कम्फर्ट कम्फर्ट यूनिफॉर्म है क्योंकि एक फास्ट क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इजी यूनिफॉर्म रखा है ताकि जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी कंफर्टेबल रहे और उनके लिए भी इजी रहे फॉर यू नो टू ऑपरेट। सो यूनिफॉर्म के बाद दिस इज़ समथिंग जो मैं आपसे बात कर रहा था, जो पैकिंग मटेरियल है। सो इट इज़ क्वाइट यू नो इट इज़ ऑल्सो क्वाइट कम्फर्टेबल एंड ईजी फॉर यू टू कैरी, स्पिलेज नहीं है इसमें और जिस तरह का जो टेम्परेचर है वो इस प्रोडक्ट में इस मटेरियल में मेंटेन रहता है खाने का, टू जब आप घर में कैरी करके लेके जा रहे हैं या घर में डिलीवरी हो रही है आपकी, इवन इफ़ यू आर सिटिंग इन 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 योर कार तो आप कार से बाहर नहीं निकलना चाहते, आप बैठे अपने फ्रेंड्स के साथ आप मील इंजॉय करना चाहते हैं, तो कुछ इस तरह का जो पैकिंग मटेरियल है इट विल हेल्प यू यू नो टू कैरी इट वेल। आप इजीली इसको कैरी कर सकते हो, अपनी गाड़ी में रख सकते हो। बॉटल्स का जैसे मैंने आपको पहले ही दिखाया था, जो ग्लास टम्बलर्स हैं, जो जार्स हैं, तो उनको हम किस तरह से हमने डिज़ाइन किया, तो वैसे ही हमने पैकिंग मटेरियल फॉर जो मेन्स एंड अदर स्टार्टर्स हमने इसको बड़े अच्छे से डिज़ाइन किया है। और कॉर्नर में अगर आप देखें एक स्टैम्प है जो कि टोमेटोज की स्टैम्प है जो हम पैकिंग जब जब डिलीवरी से पहले या आपके ऑर्डर टेक अवे से पहले हम उस पर स्टैम्प लगा के देते हैं, दैट काइंड ऑफ एन इंश्योरेंस कि येस यू विल बी इंजॉइंग द फूड टू योर बेस्ट एंड किस तरह का हमने जो जो हमारे जो स्टैंडर्ड्स हम मेंटेन कर रहे हैं। सो एक उस तरह का स्टैम्प या सील कह लीजिए वो है। सो इफ आई टॉक अबाउट पैकिंग मटेरियल यूनिफॉर्म, देर ऑल्सो समथिंग कॉल्ड फसाद डिज़ाइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटलेट में आप बाहर से निकल रहे हैं या मार्केट में कहीं गाड़ी पार्क करने की सोच रहे हैं तो आपको दूर से दिख जाएगा कि यस ये टोमेटोज ही हो सकता है, जिस तरह के कलर्स हमने यूज़ किए हैं, जिस तरह का हमारा साइनेज होने वाला है। आप देख सकते हैं आपके कॉर्नर में लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि एक जो लेडी आप देख रहे हैं अंदर जाते हुए तो किस तरह का साइनेज है, अगर आप फ्रंट व्यू देखें वो साइड व्यू है, अगर आप फ्रंट व्यू देखें आपके राइट हैंड साइड पे तो ये एक फ्रंट व्यू है आउटलेट का जो एंट्रेंस है। सो दिस इज़ दी ब्रांड आइडेंटिटी जो हमारा डिज़ाइनिंग है, जो इंटीरियर्स की डिज़ाइनिंग ये हम आपसे बहुत जल्दी शेयर करेंगे, लेकिन ये फसाद डिज़ाइन और ये जो जो यूनिफॉर्म और पैकिंग का जो मैंने डिज़ाइन आपसे शेयर किया है दिस इज़ गोना बी वेरी मच कंसिस्टेंट एंड एज पर स्टैंडर्ड्स हम इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं करने वाले हैं। रीज़न इज़ हमारी ब्रांड की विजिबिलिटी जो है, हमारे ब्रांड की जो पहचान है उसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। आप बी इट आप दिल्ली के किसी कॉर्नर में अगर आप टोमेटोज को देखें या फिर आप हरियाणा में कहीं आप जा रहे हैं, करनाल में आप जा रहे हैं वहाँ आप हमारे आउटलेट को देखें या हैदराबाद में हमारे आउटलेट को देखें या वाराणसी में हमारे आउटलेट को आप देखते हैं,
सो यू कैन इजिली मेक आउट कि येस दिस इज़ दी ओरिजिनल टोमेटोज जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं. सो नाउ सब प्रोडक्ट के बारे में हमने आपको बता दिया है, ब्रांड आइडेंटिटी के बारे में आपको बता दिया है. सो लेट्स टॉक अबाउट सक्सेस फैक्टर्स. सी इन इन 23 सालों में, 23 ईयर्स में जो हमने सीखा है, जो हमने एक एक्सपीरियंस हमारा आया है कि किस क्या क्या फैक्टर्स हैं किसी भी ब्रांड के सक्सेसफुल होने के पीछे, किसी भी ब्रांड के हिट होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं. तो हमने उनको कुछ इस तरह से जॉट डाउन किया है और हम इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे के ऑपरेशंस जो हैं हमारे चलाते हैं, ताकि वी आर सेफ एंड वी आर कॉन्फिडेंट इनफ कि ये इन चीज़ों को हमने अगर ध्यान में रखा तो हमारा ब्रांड फेल नहीं हो सकता. सबसे पहला पॉइंट है आउटलेट मैनेजर विद द एग्रेसिव अप्रोच अंडर कॉन्स्टेंट ट्रेनिंग एंड सपोर्ट. सो जो हमारा आउटलेट मैनेजर होने वाला है, या जो हमारा एक आउटलेट का जो कहिए फेस होने वाला है, जो कैसे इंटरेक्ट करता है या सारे ऑपरेशंस को देखता है, उसकी ट्रेनिंग एक कॉन्स्टेंट ट्रेनिंग में उनको इस तरह से ट्रेन किया जाएगा कि उनकी मार्केट को लेके एक एग्रेसिव अप्रोच रहे, कंपटीशन में बने रहने के लिए, टॉप पे बने रहने के लिए, एक प्रोडक्ट की जो रीच है वो अच्छी बनी रहे, उसके लिए एक एग्रेसिव अप्रोच बहुत ज़रूरी है. सो हमारे आउटलेट मैनेजर को हम वी मेक श्योर कि हमारी कांस्टेंट ट्रेनिंग रहे और उनको अच्छी सपोर्ट रहे और अच्छे से गाइड करते रहे हम कि ये चीज़ें हैं जो हमने ध्यान में रखनी है, ये काम हम कर सकते हैं, इस तरह से हम कुछ इनोवेटिव यू नो एंगेजमेंट प्रोग्राम चला सकते हैं कि हमारे जो ब्रांड की जो वैल्यू है वो राइज़ हो, हमारे ब्रांड का जो डिमांड है वो राइज़ हो. सेकेंड इज़ लोकेशन क्लोज टू नेचुरल फुट ट्रैफिक बट नॉट नेसेसरी ऑन द इन स्ट्रीट. ड्यू टू इट्स रिलेटिवली लो प्राइस मेन्यू वी आर नेचुरल इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ सिनेमास, थिएटर्स एंड अदर अट्रैक्शंस, प्रोवाइडिंग अ मील सोल्यूशन फॉर अ नाइट आउट ऑन द टाउन एंड लंच ऑल्टरनेटिव इन द डे, राइट. सो क्या होता है कि लोकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम देखें. तो अगर हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से वहाँ फुटफॉल नहीं है, एक फुट ट्रैफिक नहीं है, शायद वो रीच से दूर हो जाता है, क्लाइंटेल की रीच से दूर हो जाता है. तो लेकिन हम इस चीज़ को बड़ा ही ध्यान में रखते हैं कि रिलेटिवली लो प्राइस मेन्यू के साथ हमारा जो टारगेट क्लाइंटेल है वो हमें कहाँ मिल सकता है. फॉर एग्जांपल सिनेमास, आर्ट थिएटर्स, या अच्छे अच्छे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, या कहिए कि एक अच्छी एक शॉपिंग एरियाज हैं, जो मार्केट्स हैं वहाँ पे हमारा ब्रांड की जो विजिबिलिटी वो रहनी बहुत ज़रूरी है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम एकदम मिडल में हों या एकदम हम प्राइम लोकेशन पे हो, बट येस वी शुड बी द नियरेस्ट. सी नाउ ये फैक्टर्स, डिमांड सबकी रहेगी, चॉइस सबकी रहेगी कि हम एक मार्केट के मिडल में हों. पर अगर हम बात करें पुरानी अच्छी मार्केट, जो इस्टेब्लिश मार्केट्स हैं, वहाँ पे ज़रूर प्राइम लोकेशन में कोई ना कोई एक अच्छा रेस्टोरेंट या अच्छा ईटरी चल रही होती है. सो हमारा ये एक ज़रूरी नहीं है कि हम एकदम मिडल में एकदम प्राइम लोकेशन, बट येस वी मेक श्योर कि हम रीच में हों, हम हमारे आउटलेट की जो विजिबिलिटी है वो एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे हम अपने क्लाइंटेल को इजीली अप्रोच कर पाएँ और हमारा क्लाइंटेल हमें इजीली अप्रोच कर पाए. सो चाहे वो एक नाइट आउट के टाइम पे आप निकले हैं गाड़ी में अपने फ्रेंड्स के साथ, या वॉक पे निकले हैं आप, तब भी आपके लिए एक ऑप्शन है अच्छे मील सोल्यूशन का. इवन अगर आपके ऑफिस एरिया में आप देखें टोमेटोज है, तो या आप वीकेंड्स पे आप चाहते हैं कि चलो बाहर लंच किया जाए, तो एक अच्छा ऑप्शन टोमेटोज जो है वो उभर के आएगा आप लोगों के लिए. तो ये एक बड़ा मेजर फैक्टर है, सक्सेस फैक्टर है. थर्ड इज़ यूनिफॉर्मिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स लुक एंड फील एट एवरी लोकेशन, दैट इज़ मार्केटिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ओवरसाइट. जिस तरह का फसाद डिज़ाइन मैंने आपको दिखाए, जिस तरह के इंटीरियर्स मैंने टीसी के आपको दिखाए थे, सो हमारा जो यूनिफॉर्मिटी है, जो हमारा एक स्टैंडर्ड है कॉन्सेप्ट की लुक एंड फील को लेके, वो हम एवरी लोकेशन हम मेंटेन करते हैं. मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, रीज़न यही है कि हमारी ब्रांड की जो विजिबिलिटी है, हमारी ब्रांड की जो आइडेंटिटी है, उसके साथ हम किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. सो नाउ द फोर्थ पॉइंट, वेरी मेजर थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स या अच्छे अच्छे टीम जो है मिस आउट कर देते हैं. बेटर देन द कॉम्पिटिशन कॉस्ट कंट्रोल इन ऑल मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑपरेशन.
दैट इज स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ ऑपरेशंस, मेन्यू, फूड टेक्नोलॉजी, इवेंट्स, मार्केटिंग, मटेरियल डेवलपमेंट, डिज़ाइन एंड प्रिंटिंग। सो हमारा जो जो एक ऑपरेशंस के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं या अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, उनमें हमें इस चीज़ को ज़रूर हम ध्यान में रखते हैं कि हमारे कॉस्ट कंट्रोल रहे हर मैनेजमेंट एस्पेक्ट में, ताकि हम एक्सपेरिमेंट कम करके हम एक अच्छे कंक्लूजन पे जल्दी और कम खर्चे में हम पहुँचे और अपनी अपने प्रोडक्ट की जो अपग्रेडेशन है उसको हम आगे बढ़ाएं। क्या होता है कि अब 23 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ ब्रांड को मालूम है कि क्या चीज़ कहाँ फिट बैठती है, किस तरह के इवेंट्स यहाँ फिट बैठते हैं, किस तरह की डिज़ाइनिंग है। वी आर नॉट गोना वेस्ट टाइम ऑन एक्सपेरिमेंट्स, वी आर नॉट गोना वेस्ट मनी ऑन एक्सपेरिमेंट्स। हमें पता है कि एक दो तीन ट्राई में हम अच्छी कंक्लूजन में निकल आएंगे। सो ये हमारे एक्सपीरियंस के साथ, जो हमारा हमारी टीम का जो एक्सपीरियंस है वो हम आपसे शेयर करते हैं और उन्हीं फॉर्मेट पे हम काम करते हैं। द अदर रीज़न, द अदर सक्सेस फैक्टर इज़ प्रोडक्ट एंड ऑपरेशनल कंसिस्टेंसी। अब चाहे आप मार्केटिंग की जो हम बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी के साथ साथ, सबसे बड़ा फैक्टर है प्रोडक्ट एंड ऑपरेशनल कंसिस्टेंसी। किस तरह के मैनुअल्स एंड गाइडलाइंस हैं, हमारी स्टाफ ट्रेनिंग मैनुअल्स हैं, और किस तरह की मार्केटिंग हम करने वाले हैं, या प्रोडक्ट की रेसिपीज़ को लेकर अगर हम बात करें, या हमारे ऑपरेशनल कंसिस्टेंसी की हम बात करें, तो हम कंसिस्टेंट हैं, हम स्टैंडर्ड्स एक सही सेट ट्रैक पे चलते हैं। तो वो हमारी जो कंसिस्टेंसी है दैट टर्न्स इनटू एक्सीलेंसी, एंड इस तरह से प्रोडक्ट की जो वैल्यू हम बढ़ाते हैं। प्रमोटिंग अ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन टू ट्रेड एंड कंज्यूमर। प्रोडक्ट को आप देख चुके हो, आइडिया आप समझ चुके हो, तो आई एम श्योर कि आपको भी इस चीज़ में भरोसा है कि जो टोमेटोज़ का जो एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है उसको हम प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो हमारे पार्टनर्स के लिए हो या चाहे हमारे कंज्यूमर्स के लिए हो, हमारे गेस्ट के लिए हो। नाउ दीज वर दी फैक्टर्स जो हमारे सक्सेस को एक श्योर शॉट हिट बनाते हैं। तो उसके साथ साथ अब एज अ ब्रांड, एज अ टीम, टोमेटोज हमारे पार्टनर्स के लिए, हमारे साथ जो एसोसिएट हो रहे हैं उनके लिए हम क्या सपोर्ट लेके आते हैं। प्री ओपनिंग ऑपरेशंस, नाउ आई विल एक्सप्लेन समथिंग, जो हमारा काम है, जो हमारी सपोर्ट है, आप टोमेटोज के साथ अगर जुड़ते हैं तो किस तरह का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। आर कोचिंग सिस्टम विल गाइड द फ्रेंचाइजी थ्रू द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग इक्विपमेंट एंड यूटेंसिल्स, कॉफी मशीन्स, प्रोडक्शन, परचेजिंग ऑफ फर्नीचर, फिक्चर्स बेस्ड ऑन आर मॉडल्स, सिलेक्शन एंड चॉइस ऑफ वेंडर्स फॉर ऑल सप्लाईज, प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड एडजस्टमेंट टू द लोकल मार्केट, किचन एंड बैक ऑफ द हाउस वर्क फ्लो डिज़ाइन, मेन्यू आइटम सिलेक्शन बेस्ड ऑन आर मास्टर मेन्यू, प्रिंट रेडी मेन्यू डिज़ाइन एंड आर्ट वर्क, ऑल इंटरनल प्रिंटेड मटेरियल सच एज परचेज एंड सेल ऑर्डर फॉर्म्स, पिजेरिया मेन्यू गाइड, रनर्स मेन्यू गाइड एंड मार्केटिंग स्टार्टअप मटीरियल। सो ये हमारी प्री ओपनिंग सपोर्ट है, चाहे वो फर्नीचर को परचेज करना हो या उसको वहीं पे प्रोड्यूस करना हो, उसी वहीं पे उसको मैन्युफैक्चर करना हो, या आप ले लीजिए कि हमारे इक्विपमेंट्स परचेज करनी है, हमारे यूटेंसिल्स परचेज करनी है, किसी भी तरह का प्रोडक्ट जो आपने परचेज करना है या वहीं पे बनाना है, वो हमारा जो एक कोचिंग सिस्टम है वो आपको गाइड करेगा पूरे प्रोसेस के साथ। क्या क्वालिटी मेंटेन करनी है, किस ग्रेड की चीज़ हमें यूज़ करनी है, हमारा प्रिंटिंग मटेरियल क्या होने वाला है, हमारा जो मास्टर मेन्यू है, फॉर एग्जांपल अगर उसमें मान लीजिए 500 से 600 डिशेस हमारे मास्टर मेन्यू में हैं, तो वील चूज़ टॉप 150, 200 डिशेस या 100 डिशेस, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, सिटी, किस तरह की डिमांड है, वो हम मेन्यू में लेके आते हैं। ताकि नाउ अभी एक चीज़ इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम मेन्यू की बात करते हैं, किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं, नाउ इट विल वेरी फ्रॉम सिटी टू सिटी। ये हो सकता है कि हम जोधपुर में कुछ प्रोडक्ट्स में हमारा जो मेन्यू है उसमें एक दो डिशेज हमारे राजस्थानी स्टाइल में या जोधपुरी स्टाइल में हम सर्व कर रहे हैं, या वहाँ की डेली किसी हम सर्व कर रहे हैं। अगर हम बात करें, हम डाउन साउथ की बात करें, फॉर एग्जाम्पल बैंगलोर, तो वहाँ पे यस, मैं ये नहीं कहूँगा कि बैंगलोर के लोग राजस्थानी फूड नहीं पसंद करेंगे, बट एक टेस्ट पैलेट को ध्यान में रखते हुए वहाँ की कुछ अपनी एक डिशेज होंगी जो कि हम मेन्यू में इंट्रोड्यूस करेंगे। सो मेन्यू स्टैंडर्डाइज है, बट कुछ मॉडिफिकेशंस हम ज़रूर करने को ओपन हैं, और उन्हीं और हमारे मास्टर मेन्यू में वो कंप्लीट एक सेट है, तो हम टॉप
चॉइसेस जो हैं वो पिक करते हैं, अपने फाइनल मेन्यू में लेके आते हैं। सो इस तरह की सपोर्ट जो है हमारी प्री ओपनिंग जो टीम है, जो हम हमारा जो ब्रांड की जो टीम है, वो आपको प्री ओपनिंग ऑपरेशंस में आपको इस तरह की हेल्प करते हैं। नाउ कम्स प्री ओपनिंग ट्रेनिंग। नाउ प्रोडक्ट की परचेज़ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, किस तरह का प्रोडक्ट हमें चाहिए, किस तरह का डिज़ाइनिंग हमारी है, वो हमारी तरफ से गाइड हम करते हैं हमारे वेंडर्स को लेके, जो हम सेट फॉर्मेट्स के ऊपर हम काम करते हैं, जो रॉ मटेरियल को लेके भी। सो नाउ उसके बाद आता है प्री ओपनिंग ट्रेनिंग। सो एक हमारे हमारी टीम में जो बड़े ही एक्सपीरियंस्ड ऑपरेशन एंड ट्रेनिंग मैनेजर्स हैं, वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं हमारे मैनेजर्स के साथ, हमारे फ्रेंचाइज होल्डर्स के साथ। Operations manual contains all the information the franchisee requires to operate the business and focused training will ensure correct implementation. हमारी एक बड़ी focused training होती है प्री ओपनिंग के दौरान, जिसमें कि सारी चीज़ों को हम एक सीक्वेंस वाइज रखते हैं कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा, किन किन चीज़ों को हम किस तरह से ऑपरेट करेंगे, और किस तरह से हमारे फ्रेंचाइजी होल्डर्स हों या फिर हमारे मैनेजर्स हों, किस चीज़ को, किस फैक्टर को किस तरह से हैंडल करेंगे। आर वेरियस मैनुअल्स कवर ऑल एरियाज एंड पोजीशंस विद इन द रेस्टोरेंट। ऑल ट्रेनिंग मटेरियल आर बेस्ड ऑन आर ऑन ऑपरेशनल एक्सपीरियंस इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बिजनेस एंड अपडेटेड एवरी 6 मंथ्स। सो क्या होता है कि हम एवरी 6 मंथ्स उसको हमारे ट्रेनिंग मैन्यू को रिव्यू करते हैं, हम उसमें मॉडिफिकेशंस करते हैं, कुछ नई चीज़ें जो हमने सीखी होती हैं हम उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ चीज़ों को हम मॉडिफाई करते हैं, और ये एक एक बड़े ही अच्छा मॉडल है हमारा, हमारे लिए भी एक लर्निंग है, हम भी अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, हम भी अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। मैनुअल्स में वेरी अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक लोकल रिक्वायरमेंट्स, सॉरी, स्पेसिफिक अपसेल्स स्ट्रेटजी ट्रेनिंग कोर्स ऑन मेन्यू आइटम्स कंपैरेटिव प्राइसिंग विल बी प्रोवाइडेड टू मैनेजर एंड स्टाफ इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज फ्रेंडली सेल्स एंड इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। नाउ क्या होता है कि जो हमारे मैनुअल्स हैं उनमें हम थोड़ा सा लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से इट मे वेरी, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सो उसमें क्या होता है कि प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ, अगर हमें लगता है कि ये 10-20 रुपये नीचे करके शायद यहाँ की मार्केट को हम अच्छा कैप्चर कर सकते हैं, तो वी आर ओपन फॉर इट। या हमें लगता है कि 20-50 रुपये ऊपर करके ही हमारा जो है वो कॉस्टिंग निकल पाएगी, जो अगर रॉ मटेरियल एक पर्टिकुलर जगह पे हमें ज़्यादा महंगा मिलता है, सो वी आर वेरी मच ओपन फॉर इट। हमारी जो प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी सेम रहेगी, स्टैंडर्ड सेम रहेंगे, प्राइसिंग के साथ यस थोड़ा सा हम जो कहेंगे कंपटीटिव प्राइसिंग हम लाने के लिए इतना फ्लेक्सिबल ज़रूर होते हैं। सो नाउ क्या होता है कि हमारा एक अपसेल स्ट्रैटेजी ट्रेनिंग कोर्स भी है, जिसमें हम हमारे मैनेजर्स और स्टाफ को थोड़ा सा इस तरीके से भी ट्रेन करते हैं कि फ्रेंडली सेल्स किस तरह से की जाए, या लोगों के साथ अगर हम कम्युनिटी की बात करें उनके साथ किस तरह से जोड़ा जाए, और हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको हम किस तरह से बढ़ा पाएं। प्री ओपनिंग सपोर्ट, प्री ओपनिंग ट्रेनिंग के बाद लेट्स कम टू द पोस्ट ओपनिंग सपोर्ट। सो प्री ओपनिंग हो गया है, आउटलेट को तैयार करने में जिस तरह से हमने जो मेहनत करी है, जो ट्रेनिंग्स हमने करी हैं, पोस्ट ओपनिंग में किस तरह का सपोर्ट टोमेटोज की तरफ से रहता है। सो ऑन साइट इंटेंसिव ट्रेनिंग विल बी एडमिनिस्टर्ड टू मैनेजर्स एंड स्टाफ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ ऑपरेशंस थ्रू द फर्स्ट ऑपरेटिंग मंथ। दिस गारंटीज आर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बी एम्प्लॉयड इन ईच ऑफ डेली रेस्टोरेंट एक्टिविटीज थ्रू टू कस्टमर रिलेशंस। सो नाउ द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द ऑपरेशंस हम जब गेट्स ओपन करते हैं हमारे गेस्ट के लिए, तो एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जब हम समझते हैं कि हमारे मैनेजर्स, हमारा स्टाफ कितना रेडी है हमारे जो दी हुई ट्रेनिंग है उसके साथ। सो क्या होता है कि ऑन साइट ट्रेनिंग की जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा हूँ, तो ऑन साइट ट्रेनिंग मीन्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जब गेस्ट एक एक्चुअल गेस्ट हमारे रेस्टोरेंट में आता है, हम उसको किस तरह से ग्रीट करते हैं, किस तरह से अप सेलिंग करते हैं, किस तरह से बेसिक सेलिंग करते हैं, उन चीज़ों को भी हम मॉनिटर करते हैं, उन चीज़ों को भी हम एनालाइज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे एक कहिए कि एक सेट फॉर्मेट फॉलो होता है कि हमें इस तरह से करना है, इस तरीके से चलना है। वी डोंट वेट फॉर यू नो कि चलो 2-3 दिन चला के देख लेते हैं या हफ्ता चला के देख लेते हैं, नहीं, हमारे लिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट, वेरी फर्स्ट आवर, वेरी फर्स्ट डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
और उसी को हम आगे बढ़ाते हैं, उसी वहीं से हम साथ में उसको लेके चलते हैं। सो द इनिशियल मंथ्स ऑफ ऑपरेशन आर क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस एंड द फ्रेंचाइजी विल बी प्रोवाइडेड विद ऑल नेसेसरी सपोर्ट। इनिशियल मंथ्स बी इट 5 months, बी इट 3 months, बी इट 9 months, बी इट अ ईयर, राइट। सो एन ईयर में अगर आपको लगता है कि आपको सपोर्ट चाहिए, आपको किसी तरह का डाउट है हमारे फ्रेंचाइजी को, तो हम खड़े हैं उनकी सपोर्ट के लिए, हम तैयार हैं उनकी हर क्वेश्चन हर डाउट के लिए। द पीरियड ऑफ ऑन साइट ट्रेनिंग विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक नीड्स दैट मे अराइज फ्रॉम अ कंट्रीज कर्नली कल्चर स्टाफ एंड मैनेजमेंट लर्निंग कर्व स्पेसिफिक कस्टमर प्रोफाइल और द मैनर ऑफ अप्रोच टू आवर बिजनेस कॉन्सेप्ट। नाउ क्या होता है कि जो हमारा ऑन साइट ट्रेनिंग का जो टेन्योर है या पीरियड है, दैट मे वेरी। कहीं पर हमें शायद 3 महीने में हमें ईजी हो हम ट्रेन करके हैं और उसको सही एक ट्रैक पे ले आए, तो हो सकता है वहाँ हमें 6 महीने लग जाए या 1 साल भी लग जाता है। बट यस, इस चीज़ के अश्योरेंस मैं आपको देता हूँ कि जिस तरह की हायरिंग हम करते हैं, जिस तरह का जो हम स्टाफ हम हायर करते हैं या टीम हम बनाते हैं, उनके इस चीज़ को हम ज़रूर ध्यान में रखते हैं कि उनका पास्ट एक्सपीरियंस किस तरह का है, कितना उनका कैपेसिटी है लर्निंग की। जैसे मैं आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, वी डोंट वेस्ट time and money on experiments. We know what we need, we know what we require, we know what fits well in the brand या हमारी टीम में जो सही फिट बैठता है, हम उसी तरह के लोगों को हायर करते हैं। बट यस, हो सकता है कि 1-2 महीने थोड़े एक्स्ट्रा लग जाते हैं ट्रेनिंग में, लोगों की ट्रेनिंग में, लोगों को समझाने में, एक सही फॉर्मेट में आने में, तो इट मे वेरी, इट विल वेरी। या सो पोस्ट ओपन क्वालिटी कंट्रोल एंड सपोर्ट, तो किस तरह का सपोर्ट, किस तरह का क्वालिटी कंट्रोल जो है हमारा पोस्ट ओपनिंग में भी रहता है। आफ्टर द इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड आर ऑपरेशंस एंड ट्रेनिंग टीम विल परफॉर्म ऑन साइड क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट्स। एनी प्रॉब्लम्स दैट मे अराइज विल बी करेक्टेड इन रियल टाइम गारंटिंग आर प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। सो क्या होता है, इनिशियल प्री ओपनिंग ट्रेनिंग के बाद जो पोस्ट ओपनिंग ट्रेनिंग में भी, उसके बाद भी कई बार ऐसे चैलेंजेस आते हैं, कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमारे हमारी नज़र में आते हैं कि यस ये सही नहीं चल रहा है या ये यहाँ हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है। तो हमारी जो टीम है वो ऑन साइट क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट्स करते रहते हैं। हमारा एक ऑडिट टीम है जो कि विजिट करते हैं आउटलेट को, हम ऑडिट्स करते हैं, हम चेक रखते हैं कि जो हमारे रेसिपीज़ हैं फॉलो हो रही हैं नहीं हो रही हैं, जो सेट स्टैंडर्ड हैं कि हमारा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस कंटेनर में जाना चाहिए, इस टेम्परेचर पर सर्व होना चाहिए, ये उसकी गार्निश होनी चाहिए, तो हमारी ऑडिट्स चलती रहती हैं। नाउ जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा पैशन फॉर एक्सीलेंस है, वो हमारा हर टाइम हम उस चीज़ को ध्यान में रख के चलते हैं कि हम स्टैंडर्ड्स के साथ, अपनी क्वालिटी के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, राइट। नाउ हो सकता है कुछ ऐसे चैलेंजेस, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि बहुत ही नेचुरल है, उनको हम एक एक्चुअल प्रैक्टिकल लेवल पे चेक करने के बाद हम ये उसके एक अच्छे सही सटीक कंक्लूजन पे आते हैं और उसको हम अपग्रेड भी करते हैं। कंप्लायंस टू दीज स्टैंडर्ड्स इज ऑन टॉप ऑफ आर प्रायोरिटी लिस्ट एंड विल बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड। स्टैंडर्ड्स को की अगर मैं बात करूँ या हमारे जो कंसिस्टेंसी की बात करूँ, तो वो हमारी प्रायरिटी लिस्ट पे टॉप पे है एंड उसके लिए हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हमारे स्ट्रिक्टली इन्फोर्समेंट जो है, हमारी जो पॉलिसी है उन प्रोडक्ट्स को लेके है। क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट्स एंड ऑनगोइंग ट्रेनिंग सपोर्ट स्पेसिफिक्स आर डिटरमिन्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो ना वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में रहता है कि हमारा जो क्वालिटी ऑडिट है या हमारे जो ऑनलाइन ऑनगोइंग ट्रेनिंग सपोर्ट स्पेसिफिक्स हैं, वो जो हैं वो बहुत ही क्लियर रहती हैं व्हेन वी सिट ऑन द टेबल, व्हेन वी फाइनलाइज एवरीथिंग। वो एक हमारे लिए एक लॉ है कि हम क्वालिटी कंट्रोल कह लीजिए या जो कह लीजिए हमारे जो एनालिसिस हैं, जो करेक्शन को लेके किसी प्रोडक्ट की, उसको लेके हम उस पर फॉर श्योर तैयार रहते हैं हम, और हमारी कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। सो नाउ कम्स इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन। सो why should you know invest in us, why should you know invest in the brand Tomatoes? 15 good reasons. Help and support in finding the right location. ye Tomatoes ki taraf se ek commitment hai, ek Tomatoes ki taraf se jo services hum provide kar rahe hain ya hame jo
लीग से ऊपर लेके जाता है, वो रीजंस क्या हैं कि आप हमारे फ्रेंचाइज में इन्वेस्ट करें? पहला रीज़न है लोकेशन को ढूंढने में जो हमारा सपोर्ट है, दूसरा पावरफुल ब्रांड इमेज, टीसी का जो कैफ़े टीसी का जो एक लीगेसी चलती आ रही है फ्रॉम लास्ट 23 ईयर्स, और जो जोमेटोज़ की एक इमेज है वो एक पावरफुल ब्रांड इमेज है, देन रिनाउंड नेम एंड एस्टैब्लिश रेपुटेशन, स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, सक्सेसफुल एंड प्रूवन फ्रेंचाइज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स, हमारे बहुत से फ्रेंचाइज मॉडल ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, हमें एक्सपीरियंस है कि फ्रेंचाइज मॉडल्स को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम को किस तरह से बनाया जाता है, तो एक रिकॉर्ड सक्सेसफुल एंड प्रूवन रिकॉर्ड है टीम टोमेटोज का और टीम कैफे टीसी का। ट्रेनिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑपरेशंस, हर ऑपरेशन के हर एक कोने में, हर एक फैक्टर में, हर एक इंच में जो है हमारे मैनुअल में, ट्रेनिंग मैनुअल में हमारे पॉइंट्स मेंशन हैं। मार्केटिंग एंड प्रमोशन सपोर्ट हमारी तरफ से 100% सपोर्ट रहती है प्रमोशन्स और मार्केटिंग को लेके। पीरियोडिक मैनेजमेंट काउंसलिंग हमारी तरफ से, मैनेजमेंट के साथ मीटिंग्स होती हैं, कॉल्स होती हैं, आप ईमेल करना चाहते हैं, किसी भी तरह से डिस्कशन जो होती है, तो हमारी एक कम्युनिकेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। काउंसलिंग चलती रहती है कि हम अब इसको इस तरह से कर सकते हैं, या ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसको इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। एक्सेलेंट प्रोडक्ट क्वालिटी की अश्योरेंस है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि प्रोडक्ट की क्वालिटी एक्सेलेंट है। हम जब स्टैंडर्ड्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं तो प्रोडक्ट में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं। फर्म कमिटमेंट टू यूनिट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, हमारी एक अच्छी जो जो एक इकोनॉमिक्स है या प्रॉफिटेबिलिटी है उसकी तरफ हमारी जो कमिटमेंट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड फर्म है कि हमें यूनिट को आगे लेके जाना है। हमारी सपोर्ट जो है वो 24/7 जो है हमारे फ्रेंचाइजी के साथ रहते हैं, हमारे पार्टनर्स के साथ रहती हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज़, नाउ टोमेटोज लिमिटेड नहीं है कि आप एक आउटलेट खोल के बैठ गए तो आप सिर्फ आउटलेट ही चला रहे हैं, आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। अगर मैं बात करूँ कि फेस्ट की, जहाँ हम बात कर चुके हैं म्यूज़िक फेस्टिवल्स या लिटरेचर फेस्टिवल्स की जहाँ हम बात कर रहे थे, या कोई कल्चरल फेस्टिवल भी हो रहे हैं, कोई कॉलेजेस में हमें लगता है कि हमें यहाँ पे हमारी विजिबिलिटी चाहिए, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्रूवन रिकॉर्ड है, तो ब्रांड की इमेज ऐसी है कि यू नो पीपल विल वेलकम यू विद ओपन हैंड्स। कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन विद फ्रेंचाइजी हमारी, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप कॉल पे, ईमेल्स पे, व्हाट्सएप मैसेजेस पे, टेक्स्ट पे, या इन पर्सन हमारी जो मीटिंग्स हैं या हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके किसी भी तरह डाउट्स, किसी भी तरह के क्वेश्चंस, किसी भी तरह के एप्रीहेंशंस हो, आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं, और भी मेक श्योर कि आपको अच्छे सोल्यूशन के साथ हम आपके आपसे हमें आप अप्रोच करें। एक्सेलेंट प्रोडक्ट ऑफरिंग, प्रोडक्ट की जो ऑफरिंग्स हैं, जो जो सर्विसेज हैं एज टीम टोमेटोज एक्सेलेंट हैं। हमारी सर्विसेज जो हैं वो एक एक टॉप लेवल पे हैं। टेस्टेड मेथड्स फॉर इन्वेंट्री एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, हमारे जो इन्वेंट्री और ऑपरेशन मैनेजमेंट की जो मैं आपको ट्रेनिंग मैनुअल आपसे मैं डिस्कस कर रहा था, टेस्टेड मेथड्स हैं, लेस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, वेस्टेज ऑफ टाइम और मनी की तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो हमारे टेस्टेड मेथड्स हैं वो आपके लिए बहुत ही ईजी बनाते हैं कि आप हमारे साथ कनेक्ट होते हैं तो हम आपको एक अच्छे एक फ्रेंचाइजी मॉडल में हम आपको लेके चलें। फाइनेंशियल एडवाइस एंड असिस्टेंस 24/7 हमारी जो हम आपके लिए अवेलेबल हैं, किसी भी तरह के असिस्टेंस, किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस है, किसी भी तरह के मैनेजमेंट एडवाइस है वो हम आपके लिए हम अवेलेबल हैं, और किसी भी तरह के जो आपके डाउट्स एंड जो भी क्वेश्चन हैं वो आपसे हम आपसे खुशी से पूछेंगे कि हम आपको किस चीज़ का क्या सोल्यूशन हम आपको दे पाए। नाउ बिजनेस डेवलपमेंट ऑप्शंस क्या हैं हमारे साथ, टोमेटोज के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपके लिए किस तरह के ऑप्शंस हमारे मॉडल में अवेलेबल हैं? सबसे पहला है सिंगल और मल्टी यूनिट फ्रेंचाइजिंग राइट्स टू ओन एंड ऑपरेट सिंगल लोकेशन मल्टीपल लोकेशंस। आप एक ही सिटी में बैठ के मल्टीपल सिटीज़ या आपके आसपास के एरिया को अगर आप ऑपरेट करना चाहते हैं वो हमारे पास मॉडल अवेलेबल है। नाउ एरिया डेवलपमेंट फ्रेंचाइजिंग, इसमें क्या होता है कि आप एक स्पेसिफिक टेरिटरी ले लेते हैं कि यस मैं नॉर्थ रीजन देख सकता हूँ, या मैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन देख सकता हूँ, या मैं साउथ रीजन देखना चाहता हूँ,
आप मान लीजिए दो तीन स्टेट्स में आप चाहते हैं कि यस दिस पर्टिकुलर स्टेट्स विल बी हैंडल्ड बाय मी और हमारी टीम, आपको हम बहुत ही खुशी से आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, ताकि आपके पास फिर एक्सक्लूसिव राइट्स हो जाते हैं उस चीज़ को, उस मल्टीपल लोकेशंस को ऑपरेट करने के, उसको ऑन करने के। एंड यस ऑफ कोर्स, जैसे जैसे जितना बड़ा आप सेटअप करते हैं उतनी ही प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है, उसकी कॉस्टिंग तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ में प्रॉफिटेबिलिटी है उतना पोटेंशियल भी बढ़ता है। या फिर बहुत ही अच्छा ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन है, नेशनल और मल्टीनेशनल मास्टर फ्रेंचाइजिंग, हमारी तरफ से बड़े एक एक्सक्लूसिव राइट्स आपको मिल जाते हैं। आप पर्टिकुलरली एक कंट्री में बैठ के आप ऑपरेट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि इस कंट्री का जो टोमेटोज का ऑपरेशन है वो आपके थ्रू ही चलेगा, देन पीपल विल अप्रोच यू फॉर फ्रेंचाइजी, या फिर एक्सपेंशन है हमारी तरफ से सपोर्ट तो रहेगा ही रहेगा, तो आप भी अपने आप में एक मॉडल के ऑनर बन जाते हैं। तो ये तीन ऑप्शंस हैं, कॉस्ट तीनों में अलग अलग है, पोटेंशियल तीनों में अलग अलग है, एंड अगर कॉस्ट अलग है, इन्वेस्टमेंट अलग है, तो उसके साथ प्रॉफिटेबिलिटी की भी फिगर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। सो नाउ आपकी स्क्रीन पे हमारे नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, मेरा भी नंबर आपकी स्क्रीन पे है। सो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कोई भी आपके डाउट्स हो, आप अभी भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। ओके हाँ यस मिस्टर ईशान फिनिश जी अशोक जी, यस यस या ओके ओके थैंक यू सर। डियर पार्टिसिपेंट्स, आज हमने इंडियाज न्यू स्टार्टअप फास्ट फूड एंड कैफे ब्रांड टोमाटोज की बिजनेस प्रेजेंटेशन देखा है। मिस्टर ईशान जोशी ने काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दी है ब्रांड के ऊपर। सो डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है, अगर आप टोमाटोज की फ्रेंचाइज में इंटरेस्टेड हैं या आप इसका फाइनेंशियल मॉडल समझना चाहते हैं, सपोर्ट किस तरह से होगा आपका टोमेटोज को वो समझना चाहते हैं, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर राइट हैंड पे क्लिक कर सकते हैं, मिस्टर ईशान जोशी से बात कर सकते हैं और इस बिजनेस मॉडल को समझ सकते हैं। एंड डियर पार्टिसिपेंट्स, आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप भी कर सकते हैं, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज ड्रॉप योर नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर इन चैट बॉक्स सो वी कैन कॉन्टेक्ट यू आफ्टर दिस वेबिनार। सर, कानपुर से मिस्टर हर्ष का क्वेश्चन है, वो जानना चाह रहे हैं कि टोमाटोज कैफे के अंदर फोको मॉडल अवेलेबल है। फोको मॉडल अवेलेबल है, बिल्कुल है जी। उसमें आप थोड़ा सा बताएंगे सर कितना रहेगा इन्वेस्टमेंट अगर कोई फोको पे जाता है अप्रोक्स? फोको पे जाते हैं तो पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा, पहले उनसे ये डिटेल लेनी पड़ेगी कि उनके पास जो एरिया है, जो जगह है, वो कितना है, किस तरह से उस चीज़ को ऑपरेट करना चाहते हैं। नाउ एक चीज़ मैं बहुत ही आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा वी आर नॉट कोटिंग एनी मनी, बिना सोचे समझे हम आपको एक प्राइस कोट नहीं करेंगे। अगर मैं वैसे एक जेन्युइन सेटअप की बात करूँ, जो एरिया जो हमारी रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ समवेयर अराउंड एट एन एवरेज 600 स्क्वेयर फीट, उसमें इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है दैट इज़ फ्रॉम 25 टू 30 लाख, अप टू 30 लाख तक की हमारी जो जो इन्वेस्टमेंट है उस प्रोडक्ट को, उस आउटलेट को चलाने में है, उसको सेट करने में है। लेकिन फोको मॉडल की अगर मैं बात करूँ, येस वी आर वेरी मच ओपन टू इट, लेकिन मुझे समझना पड़ेगा पहले उनसे, ये डिटेल मुझे चाहिए होगी कि कितना एरिया है, क्या एरिया है, उस जगह का क्या पोटेंशियल है, तब जाके हम एक सही प्राइस जो है हम कोट कर पाएंगे। एज पर स्टैंडर्ड मैं आपको बताऊं तो 25 टू 30 लाख का एक आउटलेट का सेटअप आप लेके चलिए। ओके सर, और मिस्टर हर्ष, वी विल अनाउंस द कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ मिस्टर ईशान, सो यू कैन कॉल टू मिस्टर ईशान आफ्टर दिस वेबिनार। और जो अगर फोको पे जाना चाहते हैं तो प्लीज आप इस वेबिनार के बाद में फोको मॉडल के फाइनेंशियल के ऊपर मिस्टर ईशान से हम बात कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन तुषार। यस मिस्टर तुषार, प्लीज मेक अनम्यूट फ्रॉम योर साइड। हेलो यस जी,
या मिस्टर जोशी तुषार दिस साइड एंड आई एम फ्रॉम हाय तुषार फरीदाबाद। जी एक्चुअली जी तुषार एक्चुअली मुझे जानना था आपसे, आपका ये टेक जी अवे भी होता है और क्लाउड किचन भी होता है? सर, क्लाउड किचन के ऑप्शंस भी हैं, अगर आप सिंगल आउटलेट में जाना चाहते हैं वो ऑप्शंस भी हैं। यस हाँ, सो जस्ट टेल मी अबाउट द इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ दैट। अगर मैं 200 स्क्वायर फीट का कुछ अगर लेता हूँ तो टेक अवे में क्या रहेगा और क्लाउड किचन में क्या रहेगा सर? तुषार जी, ऐसा है कि 200 स्क्वायर फीट एरिया थोड़ा सा कम हो जाता है, बट यस अगर मैं बात करूं तो अगर वो अप टू 350 तक आता है तो क्या होता है कि हाँ हमारे लिए इजी होता है किचन को ऑपरेट करना, अगर मैं पूरे ओके फुल फ्लेज मेन्यू से अगर मैं बात करूं। तो तुषार जी ओके किस एरिया में है वो किस सर, किस एरिया को फरीदाबाद, ऑपरेट करना चाहते हैं? हाँ जी, फरीदाबाद में किस किस एरिया? फरीदाबाद में। हाँ जी, तो क्लाउड किचन का जो सेटअप है वो फिर क्या होता है कि एरिया वाइज अभी हमें वहाँ पे उतनी लाइटिंग की जरूरत नहीं होती है, वो इंटीरियर्स की उतनी जरूरत नहीं है, तो क्लाउड किचन का सेटअप जो है वो कम कॉस्टिंग में भी आ जाता है। सो तुषार जी, इट विल बी वेरी ग्रेट अगर आप, मेरा नंबर आपके पास आ गया है 7 6 9 6 3 0 6 4 5 6, मैं व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हूँ, मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स अगर आप उस एरिया के दे देंगे। सो इट विल बी बिट टफ फॉर अस टू यू नो कमिट कि हम 200 स्क्वायर फीट में क्लाउड किचन को ऑपरेट कर पाएंगे, इट इज बिट टफ, लेकिन यस मैं कुछ ना कुछ कोशिश कर सकते हैं हम आपसे बात करके। तो एक और उसमें सर जी, और टेक अवे का अगर हो तो क्या इन्वेस्टमेंट होगी सर? सर मैंने आपको बताया कि एक जो 600 स्क्वायर फीट का जो मान लीजिए 500 भी होता है, सो दैट इज समवेयर हाँ अराउंड जी 25 to 30 lakh, दैट इज ओके यू नो ओके टेक अवे भी हो जाता है, तो उसमें कुछ सेट सीटिंग्स भी हो जाती हैं, राइट? तो ओके उसमें अब ओके वो सीटिंग भी अवेलेबल है, तो पीपल कैन यू नो कम डाउन एंड सिट। अब क्या होता है कि टेक अवेज में एवरी वन इज नॉट गोइंग टू यू नो कैरी द फूड एंड गो आउट, तो उसमें हम 10 15 20 सीटिंग का भी ऑप्शन रखते हैं कि पीपल कैन यू नो स्टैंड और सिट इन अ कॉर्नर एंड यू नो हैव द फूड। तो उसमें भी एरिया मैटर करता है सर, बिकॉज सी 350 एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया है कि इतने एरिया में तो मुझे किचन बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज उसमें डिश वॉशिंग भी है, उसमें आपका प्रेप एरिया भी है, तो थोड़ा सा एरिया ज़्यादा ही चाहिए होता है। 200 स्क्वायर फीट विल बी अ बिट चैलेंज, बट यस वी कैन डिस्कस मोर ऑन इट। ओके जी और मतलब क्लाउड किचन में आपको, चलो मैं आपको सर व्हाट्सएप करता हूँ, प्लीज डू दैट, प्लीज डू दैट तुषार, प्लीज सेंड वी मी आर डिटेल ऑन दैट ना, सर्टनली आई राइट विल सर? आफ्टर। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू। डियर पार्टिसिपेंट्स, वी हैव ओनली 5 मिनट लेफ्ट, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या क्वारी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं, मिस्टर ईशान से बात कर सकते हैं और बिजनेस मॉडल को समझ सकते हैं और आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप भी कर सकते हैं। सर, मिस्टर रजत का क्वेश्चन है, जी उन्होंने एक क्वेश्चन 20 मिनट्स पहले ड्रॉप किया था। उनका क्वेश्चन था कि कैफे ओपन करने के बाद में या उससे पहले जो जी स्टाफ होगा उसको अपॉइंटमेंट किस तरह से होगा, आप करके देंगे या सर उनको करना होगा स्टाफ अपॉइंटमेंट? नहीं, पूरी की पूरी टीम जो है वो हम हायर करके देंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अभी क्या होता है कि इफ़ यू टॉक अबाउट हाउसकीपिंग या फिर आप यूटिलिटी वर्कर्स की बात करें तो वो तो हमें लोकल ही हायर करने होते हैं, बट वी ट्राई कि जो अच्छी सिटीज़ में काम कर रहे हैं, अच्छे आउटलेट्स के साथ काम कर रहे हैं या हमारी टीम में जहाँ काम कर रहे हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट एग्जीक्यूटिव शेफ या CDPs या शू शेफ्स या फिर मैनेजर्स जो होते हैं, कंप्लीट टीम हम हायर करते हैं, उनकी ट्रेनिंग और उनकी हायरिंग टोमेटोज की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा ईशान, एक एक चीज़ और भी हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए कर दीजिए कि आउटलेट ओपन होने के बाद में आपकी तरफ से सेल सपोर्ट किस तरह से रहेगा? ये कॉमन सर क्वेश्चन है हमारी जो तरफ मैक्सिमम इन्वेस्टर्स का निकल के आता है, लेकिन मैं फ्रेंचर प्लेयर की तरफ से आपसे पूछना चाहूंगा जी जी कि कोई भी सो अगर क्या होता है आउटलेट, अशोक जी, अशोक जी ऐसा है कि जब आउटलेट, जैसे मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, जो प्री ओपनिंग या पोस्ट ओपनिंग सपोर्ट है, अगर मैं पोस्ट ओपनिंग सपोर्ट की बात करूँ तो हमारी तरफ से मार्केटिंग एंड प्रमोशन भी रहता है, हमारी तरफ से सेल्स सपोर्ट भी रहता है, हम प्रॉपर जो हम मार्केट को पहले स्टडी करते हैं, मार्केट का क्या पोटेंशियल है, किस किस तरह जगहों को हम हिट कर सकते हैं, किस किस एरियाज को हम अप्रोच करते हैं हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, हमारी ब्रांड की विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। सी ये एक रेस्ट अश्योर चीज़ है कि हमारी तरफ से सेल सपोर्ट 100% रहती है, बट यस
वी आर नॉट कमिटिंग एनी फिगर्स, बट दिस इज़ फॉर श्योर कि हम आपको ये ज़रूर सपोर्ट देते हैं कि आप अगर फ्रेंचाइज मॉडल में टोमेटोज़ के साथ आते हैं एक अच्छी ब्रांड इमेज होने के नाते, और एक अच्छी टीम जो टोमेटोज़ की है वो आपके साथ 24 घंटे अवेलेबल है. इट इज़ नॉट जस्ट कि जो हमने आपको टीम हायर करके दे दी है तो आप उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं, हम आपके साथ काम कर रहे हैं. हम एक कम्युनिकेशन का जो ब्रिज है, हम एक टोमेटोज़ फ्रेंचाइजी या फिर ब्रांड के बीच में हम बनते हैं. सो हर 100% सपोर्ट सेल्स का रहता है, बट इट इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट, यू नो. ओके जी, थैंक यू सर. थैंक यू डियर पार्टिसिपेंट्स, वी हैव ओनली 2 मिनट लेफ्ट. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या क्वारी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर राइट हैंड पे क्लिक कर सकते हैं और शान से बात कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप भी कर सकते हैं. एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज ड्रॉप योर नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर इन चैट बॉक्स सो वी कैन कॉन्टेक्ट यू आफ्टर दिस वेबिनार. Okay, thanks a lot, Mr. Ishan, for this wonderful business opportunity to our participants. And dear participants, आप इस वेबिनार के बाद में भी मिस्टर ईशान से बात कर सकते हैं और इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, और मिस्टर ईशान से आप जान सकते हैं कि इसकी फ्रेंचाइज लेने के बाद में आपको किस किस तरह का सपोर्ट मिलेगा. सो डियर पार्टिसिपेंट्स, आज हमने इंडियाज न्यू स्टार्टअप फास्ट फूड एंड कैफे ब्रांड टोमेटोज कैफे की बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मिस्टर ईशान जी से जाना, एंड वी होप कि आपको सेशन काफी पसंद आया होगा. अगर आप टोमेटोज कैफे की फ्रेंचाइज में इंटरेस्टेड हैं या मिस्टर ईशान से बात करना चाहते हैं तो प्लीज आप इस नंबर पर मिस्टर ईशान से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. प्लीज नोट डाउन द कॉन्टेक्ट नंबर, इट्स 7696306456. आई रिपीट अगेन, इट्स 7696306456. डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपने यह वेबिनार लिंक अटेंड किया है तो प्लीज आप फ्रेंचाइज अप्लाई .com के फेसबुक पेज पर जाकर या यूट्यूब चैनल पर जाकर इस पूरे वेबिनार को अगेन देख सकते हैं. एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज ड्रॉप योर नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर इन चैट बॉक्स सो वी कैन कॉन्टेक्ट यू. एंड वार्म थैंक्स टू मिस्टर ईशान फॉर एड्रेसिंग टुडे वेबिनार सेशन. थैंक यू अशोक जी, यू आर वेरी मच वेलकम. थैंक यू फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी. थैंक यू. Thank you, sir.